तो सर ये घोड़िया है ना? हाँ जी बिल्कुल जी, घोड़िया। तो किस लाइन की क्या है ये? ये रत्नाकर लाइन की है जी घोड़ी। अच्छा, 5 साल की है जी अभी। 5 साल की है। हाँ जी। इसमें तो बच्चे वगैरह दिए होंगे एक दो? हाँ जी, एक दो पहले दिए थे, अभी लास्ट ईयर प्रेग्नेंट थी शान से जी। अच्छा अच्छा। तो घर में उधर चोट लगने के कारण इसका मिसकैरेज हो गया था। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए अभी खाली है जी। ओके। तो हाइट में कितनी है अभी ये? हाइट में 61 है जी। 61 है। हाँ जी। क्या नाम वगैरह क्या रख रखा है? नागिनी है जी नाम। नागिनी? हाँ जी हाँ जी, नागिनी रख देते हैं। यानी कि थोड़ा ब्लैक कलर है इसलिए रख दिया नाम? नहीं, अभी जब भी इस पे राइडिंग करते हैं ना तो राइडिंग में काफी गर्म है जी। गर्म है? तो राइडिंग वगैरह करते हैं आप इस पे? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। क्या कितनी क्या स्पीड होगी अभी राइडिंग में इसकी? नो, सरपट में चलाते हैं जी हम इसको। सरपट में? अरेबिया चाल में नहीं। अच्छा, सरपट में चलाते हैं जी इसको। तो जैसे कि अपन आम जो घर में घोड़िया वगैरह रहती है आम, उन पे जैसे राइडिंग वगैरह करें, हाँ जी, तो उसको सिखाने के लिए सिखाना पड़ता है कि अपने आप ही? देखो, जो सरपट चाल के लिए तो नहीं सिखाना पड़ता, उसके लिए तो सवार अच्छा होना चाहिए। अच्छा। तो जैसे रेबिया चाल के लिए, फिर उसके लिए तो ट्रेनिंग उसको दिलाना पड़ता है जी। ट्रेनिंग दिलाना पड़ता? हाँ जी, है जी, हाँ जी। क्योंकि मैंने जैसे बहुत सारे लोगों को सुना है और देखा भी है कि घोड़ी पर राइडिंग कर रहे थे और दूसरे दिन हाथ में पट्टा आ जाता है। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है घोड़ी से गिर के और हाथ टूटते हुए। बिल्कुल, वो भाई जो जब भी जो फर्स्ट टाइम घोड़ी पर राइडिंग करते हैं तो वो इतना उसको मालूम नहीं होता है कि कैसे चलना है। जैसे कई बार वो किसी ट्रैक्टर से डर गई, जब बस से डर गई, डर की वजह से घोड़ी भाग उठी, जहाँ आदमी नहीं कॉन्सेंट्रेट था उसका घोड़ी के ऊपर, तो इसकी वजह गिर के तो पट्टा तो फिर भाई आएगा। हाँ। तो जैसे कि आप अभी घोड़ों के भवरियों वगैरह के बारे में बहुत धारणाएं चल रही हैं, हाँ, इंडिया के अंदर, है ना, कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं भी मानते, तो आपका क्या कहना है यानी कि भवरियों के बारे में? जैसे कि आप यूथ हो, बाकी पुराने लोग मानते हैं, तो आपका क्या कहना है यानी कि भवरियों के बारे में? तो हम तो इधर एक ही भवरी मानते हैं, जो माथे की भवरी होती है यहाँ पर, जो इसके बिल्कुल सामने हो हम उसको मानते हैं जी। अच्छा। जो इसके नीचे हो या कहीं और हो तो उसको हम नहीं मानते, नहीं जो सिक्टा वगैरह को हम नहीं मानते। तो बाकी का वो सिक्टा वगैरह, बाकी का नहीं, सिर्फ एक ही भवरी को हम मानते हैं कि वो जो इसके इसके बिल्कुल इधर सामने हो। अच्छा अच्छा। पैरलर में हो जो, बाकी का यानी कि और कोई भवरी वगैरह हम नहीं मानते। जैसे कि आप घोड़े वगैरह कभी लेने जाते हो, खरीदते हो, तो देखते हो क्या भवरी जाके वहाँ पे? हम सिर्फ ये माथे वाली भवरी देखते हैं कि यार ये गलत ना हो, बाकी भवरी और जो छाती के ऊपर होती है ये वाली भवरी, देवमन वगैरह? नहीं नहीं, देवमन ही उसको हरियाल बोलते हैं, देवमन। अच्छा, तो ऊपर होता है ना जी। अच्छा, जो यहाँ पर भवरी होती है। अच्छा अच्छा। फिर उसको मानते हैं, बस ये दो भवरी हम चेक करते हैं, तो बाकी तो नहीं। जो कोई सेल के लिए लेना होता है तो उसका छिट्टा वगैरह भी चेक कर लेते हैं ये नीचे, जो कोई आगे किसी को देना है, बट जो घर के लिए लेना है तो हम उसके लिए सिर्फ ये दो भवरी चेक करते हैं। बिल्कुल। जैसे कि ये घोड़ी प्रेग्नेंट थी तो आप बता रहे थे कुछ केस हो गया था जिसकी वजह, तो क्या केस हो गया था ऐसा, यानी कि जिससे कि मान के चलो किसी और के साथ में हो तो वो भी सावधानी रखे? एक्चुअल में ना बारिश के दिन थे, तो 3-4 दिन से घोड़ी अंदर ही थी, यानी कि एक रूम के अंदर, एक रूम के अंदर थी, तो वो अपना एक्सरसाइज नहीं कर सकी। अच्छा, तो हमने खोला तो और दरवाजा खोला तो एकदम जब भागी ना तो वो स्लिप करके गिर गई वहाँ, यानी घोड़ी फिसल गई। हाँ, फिसल गई। जो फिसलने के कारण फिर उसके पिछले लेग में चोट लगी और पेट के बल गिरी, पेट के बल गिरी, वजह से मिसकैरेज हो गई। तो यानी कि जब घोड़ी प्रेग्नेंट होती है तो उसको डेली यानी घुमाना चाहिए यानी कि? नहीं, जरूरी डेली नहीं, बस जो उसका पैडक होता है जी उसके अंदर छोड़ दो कि यार थोड़ा बहुत घूम के वो रिलैक्स फील करे, यानी बांध के नहीं रखें उसके अंदर। अगर रखेंगे तो भाई एकदम हम भी अगर बांधे हो तो हम भी भागने की कोशिश, एकदम जल्दी में यार बाहर निकल के देखें भी कितने अंदर बैठे को होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मेरे को लगता है जैसे कि एक घोड़ी है और अगर उसका एक बच्चा की डेथ हो जाए तो मेरे को लगता है कि 2 साल खराब हो जाते हैं शायद। हाँ भाई, ऐसे भी है, बट 2 साल ऐसे है ना, जैसे इसका मिसकैरेज हो गया तो फिर हमने अंदर की सफाई वगैरह टीका वगैरह लगा के अच्छी तरह से करवाई। अभी फिर 2-3 हीट हमको मिस करना पड़ा इसका। अच्छा, अच्छा। वो गंद वगैरह थोड़ा सा अंदर से निकल रहा था तो अभी बिल्कुल क्लियर है, अभी हीट में है, तो अभी हम देख रहे हैं कि इसको किससे मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे। हाँ जी हाँ जी, इधर मंडी में आके हीट में आ गई। तो जैसे कि आप जो घोड़ी वगैरह क्रॉस करवाते हो वो कितने दिन में करवाते हो, यानी कि डिलीवरी के बाद और जो फर्स्ट टाइम क्रॉस करवाना है? यानी कि फर्स्ट टाइम नहीं, जैसे कि बच्चे एक बार बच्चा दे दिया उसके बाद में कितने दिन बाद क्रॉस कराते हो? वो जो अपनी अलग घोड़ी थी हमने 28 दिन बाद उसको घोड़ा दे दिया था जी। 28 दिन बाद? 28वें दिन दे दिया था। यानी 1 महीने का गैप रखे हैं? 1 महीने का गैप रख लिया था जी। ओके। अभी जैसे उसके अभी फिर से वो प्रेग्नेंट है, बट अब जो बच्चा देगी उसके लिए फिर हम उसको 6 या 8 महीने के लिए रेस्ट देंगे। ओके। हाँ जी।
जब भी आप डिलीवरी करेगी। क्या है सर अपना मोबाइल नंबर? 9988989738। तोड़ो 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 तुम तोड़ो हट गए। ले आ मोड़ ले आ।